नमस्कार, मैं हूं रवि केंत्रा, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। 3 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले शुक्रवार को सीएम धामी ने केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए हैं। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर और जलाभिषेक कर सीएम धामी ने संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना की, साथ ही उत्तराखंड के सतत विकास के लिए भी बाबा केदार से आशीर्वाद मांगा है। इस मौके पर तीर्थ पुरोहित समाज ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत दौरे पर हैं। सीएम के दौरे की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि सीएम दोपहर बाद चंपावत के बनबसा पहुंचेंगे, जहां सीएम एसएसबी, बीआरओ, सीआईएसएफ और भूतपूर्व सैनिकों के साथ दीपावली मिलन कार्यक्रम का हिस्सा लेंगे, जिसके बाद सीएम खटीमा के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, और क्या कुछ जानकारी है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर, क्या कुछ कार्यक्रम आज वहां पर तय किए गए हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, आज जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी आज अपनी विधानसभा चंपावत के एक दिवसीय दौरे पर है। आज दोपहर लगभग 12 से 12:30 के बीच मुख्यमंत्री चंपावत जिले के बनबसा क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहाँ वो जो भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वहाँ पे जो एसएसबी तैनात है वहाँ के कार्यालय जाएंगे। तो वहाँ मुख्यमंत्री एसएसबी के जवानों से, सीआईएसएफ के जवान, पूर्व सैनिकों से मिलेंगे और दीपावली मिलन जो उस कार्यक्रम रखा गया उसमें उनके साथ दीपावली मिलन कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री मनाएंगे। जो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पूरी तैयारियां कर दी है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे, तो आज बस दोपहर मुख्यमंत्री दीपावली मिलन कार्यक्रम में पहुंचेंगे। जी ठीक है लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए आपका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली पर्व के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में अपने परिवार के साथ दीप प्रज्वलित किए, साथ ही देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री ने संदेश देते हुए कहा कि दीपावली का यह पावन पर्व हम सबके जीवन में नया प्रकाश, ऊर्जा और उल्लास लेकर आए, हमारी प्रगति के साथ ही समाज में शांति और समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त हो। नमस्कार, भारतीय संस्कृति, सामाजिक सद्भावना, सुख समृद्धि और संपन्नता के प्रतीक दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के इस प्रकाशोत्सव पर भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि, शांति एवं आरोग्य का संचार हो, यही मेरी कामना है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात करते हुए इस दीपावली हमारे प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देते हुए राज्य के लोक पारंपरिक शिल्पकारों की कला को राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पूर्ण मनोयोग से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और खरीदारी करते समय अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। दीपावली का यह पर्व आपके जीवन में धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य और संपन्नता लेकर आए, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, 20 दिन बाद हर की पैड़ी पर गंगा जल छोड़ा गया है, अब श्रद्धालुओं को स्नान के लिए भरपूर पानी मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि गंग नहर में साफ सफाई के चलते यहां पर पानी रोका गया था, तो हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है क्योंकि 20 दिन के बाद हर की पैड़ी पर अब गंगा जल छोड़ दिया गया है, यानी कि श्रद्धालु जो वहां पर स्नान के लिए आएंगे उनको भरपूर पानी मिल सकेगा। गंग नहर में साफ सफाई के चलते ये पानी रोका गया था, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अच्छी खबर है उन श्रद्धालुओं के लिए जो हरिद्वार आते हैं, हर की पैड़ी आना चाहते हैं, क्योंकि अब स्नान के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा क्योंकि अब यहाँ पर साफ सफाई कर दी गई है और इसी वजह से 20 दिनों तक गंग नहर की साफ सफाई के चलते इस पानी को रोका गया था, लेकिन अब हर की पैड़ी पर पानी मिल सकेगा। चलिए अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ हैं। मनोज, यहां पर अब पानी छोड़ दिया गया है तो किस तरीके से साफ सफाई यहां पर की गई और अब श्रद्धालुओं के लिए क्या भरपूर पानी हर की पैड़ी पर वो उपलब्ध है?
बिल्कुल देखिए, अभी दशहरे पर्व पर उत्तराखंड गंग नहर को सालाना बंदी के लिए बंद किया जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि आज साल के गंगा को एक बार बंद इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो घाटों पे टूट फूट हो जाती है उसकी मरम्मत के लिए और गंगा में सफाई के लिए गंगा को करीब 20 से 25 दिनों के लिए बंद किया जाता है। हालांकि अब गंगा में जो जल है वो छोड़ दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ से करीब 20 दिनों तक जो श्रद्धालु थे उनको काफी दिक्कत होती थी गंगा घाटों पर स्नान करने में, क्योंकि अन्य दिनों की तरह वो इस बार गंगा घाटों पर अपना स्नान नहीं कर पा रहे थे। जल की कमी होने की वजह से घाटों से जो श्रद्धालु आते थे उनको निराश होकर लौटना पड़ता था। हालांकि ये ध्यान रखा गया था कि यहाँ जो हरकी पौड़ी ब्रह्मकुंड घाट है वहाँ पे जल छोड़ा गया था, लेकिन वो सामान्य दिनों के भांति जल नहीं छोड़ा गया था। लेकिन अब यहाँ पे हरकी पौड़ी के साथ साथ जो अन्य घाट है वहाँ पे भी जल की भरपूर मात्रा, जो तमाम जो श्रद्धालु है वो अब गंगा घाटों पर पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे, पूजा पाठ कर रहे। अब यहाँ पे श्रद्धालु के लिए ये भी कुछ खबर है कि जो घाटों की रेलिंग और जो घाट टूटे हुए थे उनकी मरम्मत कर दी गई है, किसी के साथ कोई हादसा ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हमने देखा कि घाटों पे लगी हुई रेलिंग और जो चैन लगी हुई होती है जिसको पकड़कर श्रद्धालु स्नान करते, कई बार ऐसा होता है रवि की वो जब टूट जाती तो कहीं ना कहीं हादसे होने की संभावना अधिक हो जाती है, जिसको लेकर यहाँ पे सिंचाई विभाग ने अब तमाम घाटों की जो मरम्मत थी वो करा दी गई है। जी रवि, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को यहां पर मतदान होना है। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने वाला है। वैसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी से टिकट न मिलने पर कई दावेदार निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं, लेकिन नामांकन की अंतिम तिथि पार करते ही यह स्थिति साफ हो गई कि बीजेपी की तरफ से टिकट के कोई भी दावेदार निर्दलीय मैदान में नहीं उतरेगा। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी में जो नए लोग आते हैं उन्हें भी पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। उन्होंने दावा किया है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव भारी मतों से बीजेपी जीतेगी। केवल प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार था, प्रत्याशी घोषणा होने के बाद अगले दिन जो जनसभा थी उस जनसभा के अंदर जितने भी पार्टी के अंदर जो दावेदारी जिन लोगों की थी सब ने मंच पर आकर पार्टी प्रत्याशी आसार नौटियाल जी के समर्थन में उन्होंने अपील की है और एक अच्छा माहौल है। रैली में उमड़ी भी जो संख्या थी जनसंख्या वो अपने आप में जीत का आधार थी, और मैं कह सकता हूँ कि आगामी दिनों के अंदर प्रत्याशी के भ्रमण के कार्यक्रम हों, मुख्यमंत्री जी के दो कार्यक्रम निश्चित रूप से वहाँ और करेंगे, हमारे जो प्रदेश सरकार के मंत्रीगण हैं उनके लिए हमने कार्यक्रम तय किए हैं, सैनिकों का वहाँ सम्मेलन करेंगे, अनुसूचित जाति का बड़ा सम्मेलन करेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच बीजेपी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के भू कानून को लेकर किए वायदे को भी दोहराना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सीएम धामी ने जो वादा किया था कि आगामी बजट सत्र में भू कानून को लाने का काम किया जाएगा तो वो एक ऐसा सशक्त भू कानून होगा कि निकट भविष्य में कभी भी भू कानून को लेकर परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि उत्तराखंड राज्य में इन दिनों सामाजिक संगठनों के साथ ही विपक्षी दल के नेता भी भू कानून को लाने की लगातार मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि जो आगामी हमारा बजट सत्र होगा उसमें जो भू कानून आएगा वो भविष्य में कभी दोबारा भू कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी, और सबसे अच्छा कड़ा और प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए वो भू कानून आएगा। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2025 की अहर्ता तिथि के आधार पर मतदाताओं का आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े के तहत प्रदेश में 1,28,270 मतदाता बढ़ गए हैं। प्रदेश में 5 नए मतदेय स्थल भी बनाए गए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई और उन्हें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की जानकारी दी गई। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 10 अक्टूबर 2024 तक पुनरीक्षण के अंतर्गत प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 83,71,700 हो गई है। पहले यह संख्या 82,43,423 थी। प्रदेश में 2,42,365 नए मतदाता पंजीकृत हुए, जबकि 1,14,088 के नाम मतदाता सूची में काटे गए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि देहरादून में सर्वाधिक 51,000
694 मतदाता बढ़े। उधम सिंह नगर में 46,648 और हरिद्वार में 38,435 नए मतदाता पंजीकृत हुए हैं। वहीं चंपावत में 5,306 और बागेश्वर में 5,342 नए पंजीकृत यहां पर हुए हैं। हरिद्वार से 17,086, पौड़ी से 14,130 और नैनीताल से 12,261 के नाम मतदाता सूची से हटे हैं। इसी क्रम में आज सभी राजनीतिक दलों के साथ जो प्रतिनिधिगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनके साथ बैठक भी किया गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में और उनको इस अभियान के बारे में जानकारी दिया गया। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे राज्य में जो भी मध्य स्थल होंगे उनका संख्या, उसमें पुनर्निर्धारण वगैरह कार्रवाई पूर्ण की जाती है। उसके अनुसार हमारे राज्य में 11,729 मतदेय स्थल पोलिंग स्टेशन पहले थे, उसमें अभी वृद्धि होने के उपरांत 11,733, इसमें 3 पोलिंग स्टेशन देहरादून जनपद में वृद्धि किया गया है और 2 पोलिंग स्टेशंस का हरिद्वार जनपद में वृद्धि किया। चलिए अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और खासतौर पर अगर मैदानी जिलों को देखें तो यहाँ पर संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, कैसे इसे समझ सकते हैं? जी रवि, बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2025 की 18 तिथि के आधार पर एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें कि प्रदेश में करीब 128,277 मतदाता जो है वो बढ़ गए हैं। तो ऐसे में और प्रदेश में जो है 5 नए मतदेय स्थल भी जो है बनाए गए हैं, लेकिन ऐसे में जो है मतदाता बढ़े हैं। जहां तक बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, चाहे देहरादून की बात करें तो देहरादून में सर्वाधिक मतदाता बढ़े हैं, करीब 51,000 मतदाता देहरादून में, उधम सिंह नगर में 40,000 से करीब और हरिद्वार में 40,000 के करीब जो है मतदाता वो बढ़े हैं। तो ऐसे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में एक बैठक भी की गई थी और जो राजनीतिक दल हैं, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, उनके साथ बैठक की गई थी और उनके साथ बैठक में जो है तमाम जानकारियां दी गई। और ऐसे में अब 10 अक्टूबर तक जो है मतदाताओं के जो अपनी मतदाता जो संख्या थी वो उसके वो 83,071,700 जो है वो हो गई है। ऐसे में आपत्ति दर्ज करने को लेकर भी 28 नवंबर तक मतदाता अपने दावे और आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं और ऐसे में उनका निस्तारण 24 दिसंबर तक किया जाएगा। ऐसे में जो ये आंकड़ा जारी हुआ है, मतदाता बढ़े हैं और इसी के साथ साथ ही मतदेय स्थल भी बढ़े हैं और ये आंकड़ा जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दिवाली के पावन पर्व पर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो इसके लिए पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। इस संबंध में देहरादून के SPCT प्रमोद कुमार ने कहा कि दिवाली के मौके पर कई थानों में चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त फोर्स के लिए RTC में तैनात 175 प्रशिक्षु हेड कांस्टेबलों को थाने आवंटित कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हर थाना क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस कर्मियों की नामवार ड्यूटी लगाई गई है और उन स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं ताकि कोई भी वाहन प्रवेश न कर सके। दस या 60 के आसपास होम गार्ड्स भी मिले हैं हम लोगों को, उनको भी हमारे द्वारा जो विभिन्न थानों का आवंटित कर दिया गया है। प्रत्येक थाने पर जो है, जो उनके हॉटस्पॉट्स हैं या ये कहिए कि जो बॉटल नेक्स वाले एरियाज हैं, भीड़ भाड़ वाले एरियाज हैं, वहाँ भी ड्यूटी लगा दी गई है, नामवार ड्यूटी लगाई गई है और वहाँ पर बैरियर लगा दिए गए हैं कि जिस कारण पब्लिक जो है मार्केट में पैदल ही प्रवेश करे, किसी प्रकार का 2-व्हीलर है या 4-व्हीलर है या अन्य कोई लोडिंग या अनलोडिंग वाला वाहन जो है वो अंदर प्रवेश ना करे। और साथ ही साथ हमारे जो महिला पुलिस कर्मचारियों हैं उनको भी पर्याप्त मात्रा में लगाया गया है, महिला पुलिस PHO भी तैनात किया गया है क्योंकि महिलाओं की औरतों की भीड़ काफ़ी रहती है मार्केट में, तो उनके सुरक्षा के दृष्टिगत भी महिला पुलिस की भी तैनाती की। रुड़की के पीर बाबा कॉलोनी से रुड़की रेलवे स्टेशन को जोड़े जाने को लेकर बनाया जा रहा पुल गंग नहर में टूट कर गिर गया। बता दें कि रुड़की गंग नहर किनारे बसे पीर बाबा कॉलोनी से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए एक पुल का निर्माण BJP विधायक प्रदीप बत्रा के प्रयासों के द्वारा किया जा रहा था, जिसके बनने से कई किलोमीटर का रास्ता कम हो जाता, लेकिन इसी बीच आज पुल निर्माण के समय ही टूट कर गंग नहर में गिर गया, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने सरकार और विधायक पर कटाक्ष करते हुए भ्रष्टाचार की बात कही है। बता
भ्रष्टाचार तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है, 50% भ्रष्टाचार है। सरकार ने कहा जीरो टॉलरेंस की सरकार लाओगे, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नहीं, चारों तरफ भ्रष्टाचार लगाओगे। हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करना, विकास के नाम पर कोई राजनीति करना। एक पुल पहले भी गिरा था, क्या नाम उसमें पहले गिरा था, उन मजदूरों को आज तक कुछ नहीं मिला। यहाँ मर जाता ना कोई तो ये चुपचाप देहरादून जाते, पैसे जारी करवा लेते करोड़ दो करोड़ रुपए, मजदूरों को देते 2-4 लाख रुपए, वो भी जेब में जाता। तो क्या अब क्या देख रहे हो तुम, क्या साल में है? हम तो अभी इधर से जा रहे थे भाई, देखा जाए जो एक विकास पैदा हुआ था वो मर गया बेचारा। दिवाली के पावन पर्व पर उत्साह के साथ लोगों के स्वास्थ्य संबंधित मामले भी देखने को मिल सकते हैं, जिसको लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि दिवाली में आग की घटनाएं काफी देखने को मिलती है, जिसमें लोगों के झुलसने के मामले आते हैं, इसलिए मुख्य रूप से सभी अस्पताल में बर्न स्पेशलिस्ट 24 घंटे तैनात रहेंगे। मेरे द्वारा कल ही इसमें सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि दिवाली के अवसर पर आग की घटनाएं काफी होती हैं, तो वर्न से संबंधित मरीज और सांस की बीमारी से संबंधित स्पेशली 24/7 रोस्टर के हिसाब से सभी बड़े अस्पतालों में तैनात रहेंगे, उसके लिए कल निर्देश जारी। लोहाघाट में पटाखा व्यापारियों ने कुछ व्यापारियों पर अवैध रूप से बिना लाइसेंस के आतिशबाजी बेचने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से ऐसे व्यापारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग करते हुए थाना अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। पटाखा व्यापारियों ने कहा कि कुछ व्यापारियों के अवैध रूप से आतिशबाजी बेचने से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन मामले की जानकारी देने के बाद भी अभी तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। थाना अध्यक्ष महोदय को भी इसके बारे में जानकारी दी कि जो एक सामूहिक रूप से ये व्यवस्था बनाई गई थी कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह में पटाखा वितरण होगा, विक्रय होगा, तो उसके अलावा अनधिकृत रूप से पूरे बाजार में बहुत जगह पटाखे बेचे जा रहे हैं, जो अंदर खाने से बेचे जा रहे हैं, उसके वजह से व्यापारियों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। यार तो ठीक हो रही है, लेकिन इस बार दुकानदारों को हर किसी बढ़िया मौका मिला है। दिवाली से 5 दिन पहले जो लाइसेंस इशू किए गए हैं, इस बार थोड़ा दुकानदारों के लिए थोड़ा राहत मिली है, मतलब बढ़िया लगा। मतलब व्यापार तो ठीक ठीक ही चल रहा है, वैसे अभी इतना कह नहीं सकते हैं कि इस बार बढ़िया चल रहा है करके, लगभग लगभग। पिछले दिनों उत्तरकाशी में हुए बवाल पर सियासत अभी भी जारी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पथराव और हंगामा करने वाले लोगों की गिरफ्तारी से सत्ताधारी पार्टी के विधायक नाराज हैं। विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि आंदोलनकारियों पर किए गए मुकदमे को वापस नहीं लिया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा। इस रिपोर्ट में देखिए, तो ये जांच का विषय है और उसको देखेंगे। जो सनातन हमारे तमाम लोगों की तरफ से जो बात उठाई जा रही है, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। तीर्थ नगरी उत्तरकाशी में मस्जिद अवैध या वैध, ये तो जांच का विषय है और इसे लेकर पुलिस प्रशासन को जांच करनी ही चाहिए। लेकिन इस सब के बीच विधायक उन लोगों की गिरफ्तारी से नाराज हैं जिनके खिलाफ उत्तरकाशी की पुलिस ने नामजद FIR की है। दरअसल हंगामा और पथराव करने के आरोप में 8 नामजद समेत 200 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिनमें कुछ नामजद लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान का कहना है कि कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया, जिसे लेकर पुलिस के वरीय अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। सब लगातार इसमें वार्ता चल रही है कि वहां पे क्या है कैसा है, इसकी ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि जो हमारे तमाम लोगों का कहना है कि चार धाम जो हमारे देवभूमि है, यहाँ पर कोई इस तरह की मस्जिद नहीं होनी चाहिए। अब है क्या नहीं है, तमाम प्रकार की जो लोगों ने सूचना का अधिकार के तहत, तो कहाँ पे जो है कौन गुमराह हुआ ये देखना पड़ेगा, वो अवैध है ये देखना पड़ेगा। और जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मस्जिद का तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता है, तो ये जांच का विषय है और उसको देखेंगे। जो सनातन हमारे तमाम लोगों की तरफ से जो बात उठाई जा रही है, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। और अगर वास्तव में जो तमाम चीज़ें जो बाहर आई हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो नजूल भूमि और जो फ्री होल्ड पे कोई उन्होंने जो लिख के दिया है जिला प्रशासन ने, और जो उन्होंने कहा कि जो रस्ती की ज़मीन है उस पे कोई मस्जिद बनी है, तो ये एक जांच का विषय, इसको दिखवाएंगे और मैं इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहा हूँ कि ये मामला है क्या। दरअसल गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने जनपद उत्तरकाशी में 24 अक्टूबर को हुई घटनाक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
जिसमें विधायक ने पुलिस की तरफ से हिंदू संगठनों के ऊपर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और हिंदू संगठन के ऊपर हुए पथराव पर जांच करने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि धर्मनगरी उत्तरकाशी में जिस तरह से बाहरी लोगों के अतिक्रमण किया है वह शोचनीय विषय है। किन लोगों के शह पर यह बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ करने में कैसे कामयाब हुए, ये सब जांच के विषय हैं। जो 24 तारीख को मैं बाहर था, 24 तारीख को जो घटना यहाँ पर हुई, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। एक शांति नगरी है और जिस तरह से हमारे सनातनियों के साथ जो लठी चार्ज पुलिस के द्वारा किया गया, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और जो भी अधिकारी कर्मचारी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जाँच। साथ ही विधायक ने जनपद की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि पत्थरबाजों पर जल्द कार्रवाई होगी और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रति और चारधाम यात्रा मार्ग होने के साथ साथ धर्मनगरी में अवैध धार्मिक प्रतिक्रिया बर्दाश्त नहीं होगी। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों पर लगे धाराओं को तत्काल प्रभाव से हटाने की भी बातचीत की जा रही है। मामले को लेकर स्थानीय लोग भी गंभीर हैं। बहुत ज्यादा आक्रोशित है। जो यहाँ दुर्घटना हुई है, हमारे पुलिस प्रशासन और जो यहाँ के आला अधिकारी है उनके द्वारा जो ये दुर्घटना हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और अगर लड़कों के साथ जो भी ज्यादती हुई है, अगर उसको जो है सरकार जो है उनके मुकदमे वापस नहीं लिए जाते हैं, तो ईंट से ईंट बजाई जाएगी। और पूरे शहर में जहाँ भी अभी तक तो लोग शांत हैं, केवल इसलिए कि शायद शासन प्रशासन जो है हमारी मदद करेगा, लेकिन अगर मदद नहीं करता है और उनके साथ न्याय नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए शासन प्रशासन पूरा जिम्मेदार रहेगा। क्योंकि यहाँ की शांत जनता को जो लोग जो है हिंदूवादी संगठन के लोग जो है शांतिप्रिय ढंग से जो है कूच कर रहे थे, उनके साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया है और खामो खाम लड़कों पे मुकदमे लगाए गए हैं। इनके पुलिस वाले खुद घायल हुए हैं, अनट्रेन पुलिस वाले भेजे हुए थे। लड़कों की कोई गलती नहीं, इनसे तुरंत मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए, नहीं तो हम लोग जो है प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी चेतावनी हम दे रहे हैं। शासन प्रशासन जो है उसको समझ जाना चाहिए कि अभी लोग जो शांतप्रिय ढंग से समझौता करना चाह रहे हैं। जिला प्रशासन की नाकामी है, दुर्भाग्य प्रेम है। और मेरा हमारे जो सनातनी भाई लोग हैं जो शांतिप्रिय ढंग से जो है अपना आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन करते ही पुलिस की जिम्मेदारी थी कि इन लोगों को सुरक्षित रखे। उल्टा पुलिस ने वहां पर जो है बच्चों पर लाठीचार्ज करा, ये बिल्कुल गलत निर्णय है। हमारे सनातनी भाइयों पर जो है गलत गलत धाराएं लगाई गई। जिला प्रशासन त्वरित ढंग से इस धारा को हटाए और हमारे हिंदू भाइयों को त्वरित गति से छोड़ा जाए, वरना उग्र आंदोलन होगा। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 24 अक्टूबर को अचानक भीड़ सड़कों पर उतर गई थी और हंगामा करने लगे थे। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई थी, इसी बीच किसी ने पथराव कर दिया। गुस्साए लोगों का कहना है कि शहर में अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई, जिसे गिराया जाए। भीड़ मस्जिद की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन पुलिस ने भीड़ को रोक दिया था, जिसके बाद पथराव हुआ था। बाद में पुलिस ने 8 नामजद समेत 200 लोगों पर मामला दर्ज किया है, जिसका स्थानीय लोग अब विरोध कर रहे हैं। उत्तरकाशी से हॉर्नबिल टीवी के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।